दोस्तों क्रेडिट कार्ड तो आपके पास किसी ना किसी बैंक का जरूर से होगा, और होगा तो आप उसका बिल पेमेंट तो करते ही होंगे टाइम टू टाइम। और क्रेडिट कार्ड है तो मैं रिकमेंड भी करूंगा कि उसका बिल पेमेंट हमेशा टाइम पे करें। क्या आप सोच सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने से 1000 रुपए तक मंथली आप कमा सकते हैं? कैसे कमा सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड है उनका बिल पेमेंट करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। डेफिनेटली बिल पेमेंट करने के लिए मैक्सिमम यूजर्स क्रेड का यूज करते हैं। क्रेड एप्लीकेशन वाकई में बहुत ही अच्छी है और इंस्टेंट पेमेंट जो कार्ड में है वो डिपॉजिट कर देती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप काफी सारा कैशबैक एज कम्पेयर टू क्रेड से ज्यादा कमा सकते हैं। यहाँ पे आप पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके पास कौन सा कार्ड है। मेरे पास देखो यहाँ पे पेटीएम का जो पेटीएम फर्स्ट कार्ड आता है वो वाला कार्ड है, उसको रखते हैं एक बारी के लिए अपन साइड में। उसके बाद बात करते हैं इंडसइंड बैंक है उसका कार्ड है, ये अगर देखेंगे तो इंडसइंड बैंक का कार्ड है। उसके बाद एसबीआई का सिंपली सेव, सिंपली क्लिक और वन कार्ड। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और मैं कोशिश करूंगा उसके रिगार्डिंग कुछ और वीडियोस बनाने का कि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। देखता हूँ किस कार्ड के रिगार्डिंग ज्यादा लोगों को कमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। एंड एक रिक्वेस्ट वो करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो बात करते हैं क्या है। देखो अगर आपके पास पोस्ट पे, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियोज बना रखे हैं और रेगुलर बेस पर मैं इसका ऑफर्स और अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। अगर आपके पास पोस्ट पे है तो आपको मिल सकता है 1000 रुपए तक महीने का। अब 1000 रुपए तक महीने का कैसे मिलेगा, क्या करना है, चलो बात करते हैं। देखो इसको अप्लाई कैसे करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके सिविल के अकॉर्डिंग आपको एक लिमिट प्रोवाइड करा दी जाएगी। मान लीजिए आपको 10,000 की लिमिट मिली है, 20,000 की लिमिट मिली है, 50,000 की लिमिट मिली है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिमिट मिली है, उस लिमिट से आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करिएगा। और जैसे ही आप पोस्ट पे से बिल पेमेंट करेंगे आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स दे दिए जाएंगे। रिवॉर्ड्स का मतलब कैशबैक दे दिया जाएगा। देखो मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ जिससे मैंने लगभग इसको 2-3-4 महीने से यूज कर रहा हूँ और लगभग 2200-2300 रुपए की अर्निंग में यहाँ पे कर चुका हूँ। देखो यहाँ पे टोटल कैशबैक अर्न में इतना कर चुका हूँ, टोटल रिडीम इतना कर चुका हूँ, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद बात करें तो मेरी पोस्ट पे जो लिमिट है फिलहाल के लिए 34,000 या 35,000 के आसपास की मेरी जो लिमिट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। एंड आपको कितनी लिमिट मिली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। पोस्ट पे पे लिमिट अब मिलना स्टार्ट हो चुकी है, पहले लोगों को वेट लिस्ट बताया था लेकिन अभी आप ट्राई करोगे तो जरूर से आपको लिमिट यहाँ पे मिल जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिलेगा पे क्रेडिट कार्ड बिल। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो पोस्ट पे की मदद से, लेकिन एक चीज यहाँ पे एक वार्निंग एक चेतावनी आपको यहाँ पे दे देना चाहता हूँ कि अगर आप पोस्ट पे का से अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर रहे हैं और आपके क्रेडिट कार्ड की लास्ट डेट 1-2 दिन ही बचे हैं तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल की जो लास्ट डेट है उसमें कम से कम 5 या 6 दिन बचे हैं तो ही आप पोस्ट पे से बिल पेमेंट कीजिएगा। बिल पेमेंट करने का क्या फायदा होगा, चलो यहाँ पे मैं आपको फायदे के बारे में बता दूँ। कोई से भी कार्ड आपके जितने भी होंगे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और अपना कार्ड डिटेल लगेगा। अब पोस्ट पे से अब अगर आप बिल पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड का तो आपको क्या फायदा होगा, 0.5% कैशबैक दिया जाएगा अप टू 1000 रुपीज। मतलब ये मान के चलो कि अगर आपने 1000 रुपए का बिल पेमेंट किया तो आपको दिए जाएंगे 5 रुपए, 2000 का जमा किया 10 रुपए। मान के चलो आपने क्रेडिट से 10,000 रुपए का बिल पेमेंट किया ना, मैं श्योर हूं लिख के दे सकता हूं 99.99% 10 या 20 रुपए से उठा देंगे। वहीं पे अगर आप पोस्ट पे से अगर आप बिल पेमेंट करोगे वो 10,000 रुपए का डेफिनेटली 50 रुपीज आपको मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आपने 20,000 का जमा किया तो 100 रुपीज मिलेंगे। और क्रेडिट कार्ड का मंथली 20-30,000 रुपए का बिल तो हर लोगों का 50,000 का बिल तो हो ही जाता है, तो क्यों ना हम पोस्ट पे की मदद से यहाँ पर बिल पेमेंट करें जिससे हमको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिल सके। पोस्ट पे बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे अटैच कर दूंगा, स्विगी जोमेटो, या अगर आपके एरिया में इस तरह की फूड एप्लीकेशन चलती है तो आप जरूर से पोस्ट पे का कार्ड होना चाहिए। काफी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। पोस्ट पे भारत पे कंपनी का ही है और पूरी तरीके से ट्रस्टेड है, अच्छा है। मैं खुद पर्सनली 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, काफी बढ़िया है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा पोस्ट पे आपको कितने की लिमिट मिली है और कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके पास अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने का मैं कोशिश करूंगा। आई होप आपका आज का वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर से फायदा मिला होगा। फायदा मिला प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे घूमते फिरते आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलता है एक और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।